हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, कुछ दिन पहले अरहान भाई से मेरी बात हुई थी, तो वो आपको एक बार सुन लेनी चाहिए। वैसे मैंने लाइव में भी सुनाई थी, बट उसमें बहुत ही खराब क्वालिटी थी और मैंने पोल करके पूछा था कि आप सुनना चाहते हो। और साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इतनी सारी जो आप नेगेटिव वीडियोस देख रहे हो और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही है कि सिद्धार्थ भाई के जितने भी करीबी लोग थे ना, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, सब लोग समझ जाएंगे, मुझे पता है, जितने भी करीबी लोग थे, करीब से करीबी लोग भी भाई, सबके सब कहीं ना कहीं टारगेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर मैं बोलता हूं, बट उससे पहले ये फोन कॉल सुन लो एक बार। लेकिन अब वही है यार, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। सबको दुख हुआ है यार, बहुत दुख की बात है, बहुत ही गलत हुआ है, ये जो भी है नहीं हाँ, होना चाहिए था यार। वही समझ ही नहीं। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं ये सपना चल रहा है क्या है, कुछ हाँ, नहीं। यकीन नहीं हो रहा, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, लग ही नहीं रहा कि ऐसा हो भी सकता है क्या यार। मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता है शहनाज का क्या हो रहा होगा यार, क्योंकि वो इतनी ज्यादा अटैच थी ना इससे, इतनी ज्यादा अटैच, राइट। बस ऊपर ऊपर वाला उसको सबर दे और उसकी मम्मी को आंटी को सबर दे यार। ये बाकी तो देख, सब दुनिया अपने अपने टाइम पे निकल जाती है, सब भूल जाएंगे, राइट। सही बात है। लेकिन क्या है, जो मेन लॉस हुआ है ना, वो इस आंटी का और ये शहनाज, इन दोनों की जिंदगी बहुत लंबी हो जाएगी यार। सही कह रहे हो आप। इनका बाकी बहुत सब बड़ा तो दुख है यार। सब यार, तूने देखा नहीं, इंटरनेट पे वीडियो चल रहा है उसकी, रात को ये सारे पार्टी कर रहे हैं यार, आधे हाँ सेलिब्रिटी पार्टी कर रहे हैं यार। वो वीडियो इंटरनेट पे अभी मैंने देखा यार, इंसान चला गया, तुम उसके घर पे जाके रो रहे हो, तुम शमशान के बाहर जाके रो रहे हो, तुम मीडिया टेंशन ले रहे हो यार। वेरी बैड यार, वेरी वेरी बैड। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं करता यार, हाँ कौन करता है, तुम नाच रहे हो। मैं भी अभी देख के ना, मतलब यही मुझको लग रहा है कि मेरे माइंड में यही आ रहा है बार बार कि जब सिद्धार्थ था तब इनमें से कोई भी नहीं था। और मेरे को ना आपकी एग्जैक्टली बात मेरे को हमेशा याद आ रही है कि यार इकलौते आप ही थे जिसने, मतलब जब सिद्धार्थ है तभी अपनी खत्म कर दी थी बात। आपने राइट, बर्थडे भी विश करा, आपने मेरे साथ जो इंटरव्यू करा उसमें भी बोला आपने, और जब सिद्धार्थ से मिला, सिद्धार्थ मतलब उनके भी माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। जब आपका मैसेज के ऊपर भी बात हुई थी मेरी उनसे, जब क्योंकि मैं गया था उनके पास 16 दिसंबर को, 12 दिसंबर हाँ, का बर्थडे था, तो आपने मैसेज किया था उनको, तो हम यही बात कर मैं, रहे थे क्योंकि हाँ बिग बॉस के अंदर जैसे थी ना, तो आज बहुत ऐसा दिखाती थी ना कि बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है। तो हाँ सिद्धार्थ भाई उस टाइम पे यही बोल रहे थे कि यार अंदर इतना दिखाते थे जैसे पता नहीं हम कितना ही घूमते हो, मुश्किल से एक या दो बार मिला हूं, और अब हाँ देखो मेरा बर्थडे था और विश तक नहीं किया इसने। तो बोल रहे थे कि हाँ अरहान अरहान तक ने मेरे को ट्वीट किया, अरहान तक ने। तो मैं वही सोच यार, रहा था कि जब तक वो थे तब तक इनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं पूछ रहा था, और राइट अब सबके सब मीडिया यार, टेंशन की वजह से। तेरे को पता है जॉय, मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उससे मेरे गिले शिकवे खत्म कर दिए। मैंने उसके खुद ने सामने से माफी मांगी, मैंने यार जो भी हुआ उसको खत्म करते हैं, राइट। और उसका बड़ापन उसने जवाब दिया। भाई मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही इस इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू करने की, पता है किसके लिए मेहनत की जाती है इतनी यार, 15 साल 20 साल हम लोग मेहनत करते हैं, फिर जाके सक्सेस आती है, और फिर ये एंड ऐसे। ये लोग हैं जो अपने आप को वेल विशर्स बोलते हैं यार, घटिया लोग यार, घटिया, मतलब कोई नीच से नीच आदमी नहीं करे, कोई दुश्मन नहीं करे आपका यार, सही वेरी वेरी बैड। और मैंने तो इनफैक्ट उसको, सिद्धार्थ को मैंने एक बार पर्सनल मैसेज भी किया था, मैंने यार जो भी है मैंने सच में दिल से खत्म किया है सिद्धार्थ, क्योंकि मैं जेन्यूनली, मैं मेरी तेरे से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और मैंने कहा जो भी कुछ था ये सब ऊपर की बातें, तू समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका मेरे पास रिप्लाई आया, ही सेड ब्रो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो भी तो मतलब दिल में रखने वालों में से नहीं थे ना, वो भी जैसे आपने दिल में नहीं रखा ऐसी उन्होंने भी दिल में नहीं रखा था। एग्जैक्टली, और ऊपर वाला देख रहा है यार आपको, ऊपर वाला जज कर रहा है, हर हर इंसान को देख रहा है यार। आज आज वो चला गया तो कल अपनी भी बारी हो सकती है, कोई भी हो सकता है यार। सही बात है। इंसान को हाँ डरना चाहिए। मेरे को तेरी बड़ी याद आ रही थी, मैंने कहा यार मैं तेरे को करूंगा क्योंकि मुझे पता है तू बहुत परेशान होगा, थैंक यू भाई। तो मैंने इसलिए मैंने तेरे को फोन किया, मैंने कहा मैं तेरे से बात करता हूँ क्योंकि ठीक तो है ना यार।
जो है तुझे कुछ भी जरूरत हो, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो ना बाबू, तू प्लीज मेरे को फोन कर देना। तू बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहे हैं ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मैं तेरे से जरूर मिलूंगा, तू जब भी बॉम्बे आएगा मैं तेरे से एक बार जरूर, जब भी आएगा मेरे से मिलना, ठीक ठीक है भाई, ठीक है ना? है ठीक है। आप मुंबई में ही हो अभी? अच्छा, नहीं यार, मैं अभी जयपुर में हूँ। आप जयपुर में? अच्छा हाँ, मेरी क्या मॉम की तबीयत बहुत खराब है, तो अच्छा इसलिए मैं जयपुर में हूँ। अच्छा अच्छा क्या हुआ उनको? यार उनके बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं यार, काफी प्रॉब्लम्स हैं। वो एज के हिसाब से भी प्रॉब्लम चल रही है, एज इतनी है नहीं, शी इज 50 जस्ट, लेकिन अच्छा काफी प्रॉब्लम चल रही है ये सब। अच्छा चलो ध्यान रखो आप आंटी का। हाँ मैं बिल्कुल, और तेको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ठीक पहला फोन मुझे करना, कोई किसी बात की टेंशन नहीं है ना, ठीक है भाई, ठीक है ना जो है? है ओके ठीक बाबू, है, थैंक यू भाई, थैंक यू। यू वेलकम। तो यार ये जो आपने ऑडियो सुनी है रहान भाई की, इसमें काफी चीजें मैंने हटा भी दी, बट मेन जो चीज है, मेन चीज जो इसके अंदर मैंने आपको सुनाई है वो ये है कि भाई वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न है यहाँ पे शहनाज को लेके एंड सिद्धार्थ भाई की मॉम को लेकर। बट मेन पॉइंट गाइस ये, जितने भी लोग दिखावा करने के लिए आए थे ना, जो अपनी इंसानियत दिखाने के लिए आए थे, इनकी इंसानियत उसी रात को मर गई थी जिस दिन ये शोक प्रकट कर रहे थे, जिस दिन ये रो रहे थे मीडिया को, मीडिया के सामने जाकर अपने आंसू बहा रहे थे, उसी रात को इनकी इंसानियत मर गई थी, क्योंकि ये उसी रात को पार्टी कर रहे थे। बट सिद्धार्थ भाई के जितने भी क्लोज बने ना, करीबी से करीबी, करीबी से करीबी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बट आप खुद समझ जाओगे जो जैसी जैसी वीडियोस बन रही है, जितने भी करीबी है ना भाई, सब कहीं ना कहीं टारगेट हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको टारगेट किया जा रहा है। नाम किनका बन रहा है? नाम उनका बन रहा है जो 1 सितंबर तक सिद्धार्थ भाई के साथ भी नहीं खड़े हुए थे कहीं। 8 महीने पहले ही बर्थडे था, तब किसी ने भी विश नहीं किया था इनमें से, बट 2 सितंबर को इनकी इंसानियत जाग गई अचानक से। किसी की इंसानियत ने उसी रात को दम तोड़ दिया, किसी की इंसानियत ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया, मगर सबकी इंसानियत 3 से 4 दिन बाद खत्म हो गई। बट जो उनके क्लोज वन है भाई, जितने भी करीबी लोग थे, सब कहीं ना कहीं टारगेट हो रहे हैं। तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे टैग मार के बोलते, भाई इसको रोस्ट करो, इसको भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसको रिपोर्ट करो। यार देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को रोस्ट करने में, किसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मेरे को भर भर के व्यूज भी मिलेंगे भाई, और आप लोग शेयर भी करोगे, बट मेरे को वो चाहिए नहीं भाई। क्योंकि मेन चीज यहां पर है कि हम सिद्धार्थ भाई की फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो प्रोटेक्ट हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि ना तो हम इनके चैनल को सर्च करें, ना इनकी वीडियोस पे जाएं, ना ही हम इनकी वीडियोस को रिपोर्ट करें। क्योंकि जैसे ही आप ये सब चीजें करने लग जाओगे, उसके चैनल को पॉपुलैरिटी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एंगेज कर रहे हो अपने आप को। जैसा कि SSR के केस में इन लोगों ने किया था, भर भर के वीडियोस बनाई थी, भर भर कर। अपने को चाहिए 10 दिन की शांति, इस वाले मुद्दे से हट जाओ सबके सब, शांति बनने दो, फिर इनको अपने तरीके से जवाब दिया जाएगा। बट इस मुद्दे पर नहीं, मुद्दा भी हम बनाएंगे और जवाब भी हम बनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना पहचानो कि कौन है दोस्त और कौन है इंसान, इंसानियत दिखाने वाले इंसान, ठीक है? सो गाइस, ओम शांति ओम, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।